पूर्व मंत्री स्वर्गीय यमुना निषाद और पिपराइच विधानसभा से दो बार विधायक रह चुकी राजमती निषाद के पुत्र और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अमरेंद्र निषाद ने 2019 के लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। माना जाता है कि सपा में सम्मान नहीं मिलने के कारण तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद अमरेंद्र निषाद ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि लगातार 5 बार से सदर लोकसभा चुनाव की सीट पर अपना वर्चस्व कायम रखने वाले प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट पर जातिगत समीकरण ने यहां से निषाद प्रत्याशी सपा के प्रवीण निषाद को सांसद बना दिया था। माना जाता है कि सदर लोकसभा सीट निषाद बाहुल सीट रहा है। यहाँ से अमरेंद्र निषाद के पिता स्वर्गीय यमुना निषाद ने एक बार योगी आदित्यनाथ को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन वे चुनाव हार गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए अमरेंद्र निषाद ने कहा कि उनका परिवार राजनीतिक परिवार रहा है और वे अपनी राजनीतिक विरासत बचाने के लिए लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वे किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे इसकी घोषणा कुछ दिन बाद करेंगे। गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए अमरेंद्र निषाद ने कहा, अब देखिए राजनीतिक परिवार के होने के नाते हम लोग का जो कर्म भूमि है आज की समय में वो राजनीति के माध्यम से सभी वर्गों को साथ लेकर सबके सुख दुख और सबके हक की लड़ाई लड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आने वाला जो 2019 का आम चुनाव हो रहा है इसमें हमारे लोगों की मंशा है, स्वर्गीय मंत्री जी के सहयोगियों की लोगों की मंशा है कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ें और उसमें पूरी तैयारी है, सबका सहयोग सबका आशीर्वाद है कि हम लोग लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। 1 से 2 दिन के अंदर सारी बातें तय हो जाएंगी कि कब और कहां कैसे लड़ना है। अभी तो घोषणा हुआ नहीं है टिकट का, अब टिकट के घोषणा होने के बाद ही लोग बैठेंगे उसमें तय कर लेंगे कैसे क्या करना है। हाँ माता जी विधायक देखिए कह रहा हूँ मैं राजनीतिक परिवार से हैं और राजनीति आप भी जानते हैं सभी लोग जानते हैं राजनीति के लिए जो राजनीति में आता है और हम लोग का जो राजनीतिक परिवार है उद्देश्य एक ही रहा है स्वर्गीय मंत्री जी का कि अपने लोगों की गरीबों के मजदूरों की लड़ाई के लिए उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा कटिबद्ध रहना आगे बढ़ने का काम करेंगे हम लोग करते रहेंगे। लोकसभा विधानसभा गोरखपुर सदस्य निषाद बाहुल मिलेगा। देखिए जहाँ तक सहयोग की बात है निषादों के साथ साथ हमें सर्व समाज का आशीर्वाद प्राप्त है। सभी स्वर्गीय मंत्री जी किसी एक समाज के नेता नहीं थे, हम लोग दल से नेता नहीं दिल से नेतृत्व करते हैं, दिल से लोगों की मदद करते हैं। इसलिए हम लोग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम दिल की बात सुने लोगों की मन की बात सुनकर जो लोग चाहते हैं उस बात पे काम करेंगे। चुनाव लड़ेंगे या माता जी? अब ये चीज़ भी तय हो गई है, लगभग माता जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। माता जी से देखो सामाजिक मुद्दों को लेकर भी बातें हमारी थी, कुछ समाज के कार्यों को लेकर भी बात थी कि अगर चुनाव तो लड़ना है, हम लोग राजनीतिक परिवार से हैं और हम दल से हैं, दिल से राजनीति करते हैं, लोग मदद करते हैं। अगर ऐसी कुछ बात आती है तो विचार करके चुनाव लड़ा जा सकता है, ऐसे कोई परहेज नहीं है। अगर भाजपा आपको ऑफर करती है तो क्या भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए? मैंने कहा ना ऐसी कोई परहेज नहीं है किसी से, अपने लोग साथ बैठकर निर्णय लेके लड़ा जा सकता है।